नमस्कार, मैं सुरेश कुमार और आप देख रहे हैं पल पल। चंडीगढ़ पुलिस द्वारा हरियाणा के कर्मचारियों पर किए गए लाठी चार्ज के विरोध में सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के बैनर तले कर्मचारियों ने किया जोरदार प्रदर्शन। विधानसभा कूच के दौरान चंडीगढ़ पुलिस द्वारा हरियाणा के कर्मचारियों पर किए गए लाठी चार्ज, वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले बरसाने के विरोध में सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के बैनर तले कर्मचारियों ने आज यहां जोरदार प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए शहर में जुलूस निकाला। वहीं लघु सचिवालय के बाहर भी कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा यूनियन के नेता सुरेंद्र और जनरल सिंह ने कहा कि सरकार जल्दी से जल्दी कर्मचारियों के संगठनों से बातचीत करके कर्मचारियों की मांगों का निपटारा करे। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सरकार ने कर्मचारियों की मांगों को स्वीकार नहीं किया तो कर्मचारी बड़ा आंदोलन कर सकते हैं और इसके लिए वे मजबूर होंगे, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। आप देख रहे हैं कैथल पर्पल से नवीन मल्होत्रा की ये रिपोर्ट। संघ हरियाणा के आह्वान पर गत 10 सितंबर को विधानसभा कूच का कार्यक्रम किया गया था। विधानसभा कूच के दौरान 2 घंटे तक सरकार को समय दिया गया कि वो आए, कर्मचारियों की मांगों को सुने, लेकिन सरकार ने कर्मचारियों की मांगों को सुनने की बजाय उनके ऊपर लाठी चार्ज कर दिया। भयंकर किस्म के अश्रु गैस के गोले छोड़कर तमाम कर्मचारियों को भगाने की कोशिश की और वाटर कैनन के जरिए काफी लोगों को घायल किया। इसके अलावा भयंकर इसने लाठी चार्ज किया, हमारे अनेक नेता भयंकर तरीके से घायल हैं। उन घायलों को उठा करके इलाज करवाने का काम भी पुलिस ने नहीं किया। उस दमन चक्र के खिलाफ आज पूरे प्रदेश में सर्व कर्मचारी संघ के आह्वान पर जिला स्तर पर रोष प्रकट किए जा रहे हैं और सरकार की दमनकारी नीतियों का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तमाम कार्यालयों के तमाम कच्चे और पक्के कर्मचारी, तमाम पुरुष और महिलाएं इस आंदोलन में शामिल हैं। ये इसलिए भी शामिल हैं कि पुरुष कर्मचारियों ने महिला कर्मचारियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, जो कि कानूनन एक भयंकर जुर्म है और ऐसी चंडीगढ़ प्रशासन की जो कार्यस्थानी है उसकी कड़ी निंदा करते हैं और आज चेतावनी देते हैं कि यदि सरकार ने बातचीत का रास्ता अपना करके समस्याओं का समाधान नहीं किया तो आने वाली 18 तारीख को प्रदेश के तमाम कर्मचारी सर्व कर्मचारी संघ के आह्वान पर जेल भरेंगे और सरकार की तमाम जेलों को भर करके अपना रोष प्रकट करेंगे। मैं जिला सीईओ सर्व कर्मचारी संघ कैथल जरनैल सिंह, आज हम सरकार की दमन विरोधी नीतियों के विरोध में पूरे हरियाणा के अंदर दमन विरोधी दिवस मनाते हुए प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि सर्व कर्मचारी संघ एक अनुशासित संगठन है और कर्मचारियों मजदूरों की मांगों को लेकर के अनुशासित तरीके से आंदोलन रहता है। वो अपनी मांगों को उठवाने के लिए विधानसभा के ऊपर जाने का हमने फैसला लिया था, लेकिन सरकार की जो नीति है वो आज चाहे किसान है, मजदूर है, छात्र है, कोई भी प्रजातंत्र के ऊपर तरह से लाठी चार्ज करती है, जिस तरह से आश्रु गैस का प्रयोग करती है, हरियाणा की तमाम जनता त्रस्त है और कर्मचारी इस सरकार के लोकतांत्रिक तरीके की निंदा करते हुए आज ये प्रदर्शन कर रहे हैं। और अगर सरकार नहीं मानती तो हम जहां 18 तारीख को जेड़े भरेंगे उसके तुरंत बाद पूरे हरियाणा के जितने भी मंत्री हैं उनके हलकों के अंदर जाकर के जनता के बीच में बड़ी बड़ी रैलियां करके जनता को इस बीजेपी सरकार का असली चेहरा दिखाने की कोशिश करेंगे। और अगर सरकार फिर भी नहीं मानती तो 15 नवंबर से हरियाणा के अंदर अनिश्चितकालीन हड़ताल होगी, जिसकी पूरी जिम्मेवारी हरियाणा सरकार।